बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, ये इस्लामाबाद में जो जुडिशियल कम्प्लेक्स है उसके सामने मौजूद हैं हम, और आज इमरान ख़ान साहब की अदालत के अंदर पेशी थी, और पेशी के मौके पर जब भी अदालत की या किसी बड़ी शख्सियत की में पेशी होती है तो उसके ऊपर सिक्योरिटी जो होती है वो हाई अलर्ट होती है और ट्रैफिक का प्लान भी दिया जाता है। तो आज अगर आप बाहर देखें तो सिक्योरिटी बिल्कुल मामूल के मुताबिक है, कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, मतलब जिस तरह ज़्यादा सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है वो नहीं है, बिल्कुल चांद ही सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है। और जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि अदालत के अंदर इमरान ख़ान साहब को पेश नहीं किया जाएगा, जैसे कि पहले भी खबरें आ रही थी कि अदालत के अंदर इमरान ख़ान को पेश नहीं किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है रोड जो है वो चल रहे हैं, हालांकि इससे पहले अब तक रोड को एक साइड से बंद किया जाता है और फिर जाके इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा की जाती है। आपको थोड़े से सिक्योरिटी अहलकार नज़र आ रहे हैं जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर। तो ज़राए कह रहे हैं कि कुछ मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इमरान ख़ान को यहाँ पर पेश नहीं किया जाएगा, और साथ जो है उनकी जो हाज़िरी है वो वीडियो लिंक के ज़रिए लगाई जाएगी। ये सिक्योरिटी एहलकार आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ही थोड़े से सिक्योरिटी एहलकार हैं, कोई सिक्योरिटी हाई अलर्ट नहीं है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सिक्योरिटी होती है वो नहीं है, बिल्कुल मामूल की सिक्योरिटी है, कोई ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार नहीं मौजूद, बस मामूल का गश्त हो रहा है। और ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब जो हैं उनको पेश नहीं किया जाएगा और सिर्फ उनकी जो है वीडियो लिंक पर हाज़िरी लगाई जाएगी। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बड़ी शख्सियत की अदालत के अंदर पेशी होती है तो इसके ऊपर जो होता है बाकायदा तौर पर ट्रैफिक प्लान भी दिया जाता है, और साथ जो है एक सिक्योरिटी प्लान भी दिया जाता है बाकायदा तौर पर। और ये रोड जो है जुडिशियल कम्प्लेक्स के सामने, ये इसको भी बंद किया जाता है, लेकिन आज किसी किस्म की जो है इसके अंदर बंदिश नहीं की गई और ना ही कोई सिक्योरिटी प्लान दिया गया है। तो अब ये जो सिचुएशन है आपके सामने है, यानी कि अब इससे लग ही रहा है कि इमरान ख़ान साहब को अदालत के अंदर पेश नहीं किया जाएगा, और ज़राए भी ये कन्फर्म कर रहे हैं कि इमरान ख़ान की हाज़िरी जो है वो साइफर केस में लगाई जाएगी वीडियो लिंक के ज़रिए। आज साइफर केस में जो खसूसी अदालत के जज हैं, जज अबू अलहसना ज़ुल्करनैन साहब, उन्होंने इमरान ख़ान साहब और शाहमहमूद कुरैशी साहब को तलब कर रखा था, और उन्होंने कहा था कि आज उन्हें अदालत में पेश किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहकाम थे कि ओपन ट्रायल इसका किया जाए, उसी के तनाजुर में उन्होंने हुक्म दिया था कि इनको पेश किया जाए। ये आप देख सकते हैं जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदरूनी मनाजिर, जिसमें जज साहब जहाँ बैठते हैं वो कमरा भी आपको नज़र आएगा, और जिससे लग रहा है कि कोई यहाँ पर चहल पहल नहीं है, कोई किसी किस्म का हाई अलर्ट नहीं है, और जो मामूल के मुताबिक ही सारा सिस्टम चल रहा है। और ये उनका कमरा है जज अबुल असनात का, ज़ुल्करनैन का, जिस ये उनकी कोर्ट है जहाँ पर उन्होंने समाअत करनी है। तो अब कहा यह जा रहा है कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान ख़ान की हाज़िरी लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर कोई अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और अगली अपडेट में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।